मतलब ऐसे नंबर लेकर आते, ऐसे इतने घटिया। और तुमने क्या किया करना है, तुमने तुम्हारा क्या बनेगा, क्या हुआ? मगर देखे अल्लाह ताला ने फरमाया है कि रमजान में और ईद पर अपने घर वालों पर खुला खर्चा करो, अल्लाह ताला देने वाले। पहले या ईद के बाद अपने मियां को लूटती है, प्लीज लूटना बंद कर दे। मियां लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं होता, मुझे छोड़े, मुझे बात करने दे, छोड़े मुझे, क्या हो गया आपको? बोले लेटर सर्विस भी है फिर मेरे पास बच्चों के लिए, वो सब माओं के पास होती है। भाई अगर आप अपने बच्चों को खुद नहीं देखोगे ना, तो कल को दुनिया वाले फिर पकड़ पकड़ के मारेंगे। क्या हो गया, क्या हो गया? जा रही हूँ अपनी माँ के घर, जा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं कौन सा दिन आएगा ये अपनी माँ के घर जाएगी, नाराज हो गए हफ्ता दो हफ्ते के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों का? उम्मीद करती सब ठीक ठाक होंगे। तो जना वेलकम हो गया आप लोगों का हमारे एक और ब्रांड न्यू ब्लॉग के अंदर। और आज जो है ना हमारे बच्चों के रिजल्ट आ चुके हैं फाइनल पेपर्स के, तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो, वो ही क्लेक्ट करने हम लोगों ने जाना है। पता नहीं कौन सा चांद इन्होंने चढ़ाया और कौन सा चांद डबो दिया इन लोगों ने, तो ये जाके हमें वहीं पे पता चलेगा। और इसके अलावा मेरे दोनों बच्चे जो है ना अभी फातिमा और मोहम्मद मुस्तफा बीमार हुए हैं, ये लोग, इस मैडम को बुखार हुआ है और दूसरे को भी। और जनाब मेरी एक जो है ना सब्सक्राइबर है, उनकी भी 10 महीने की बेटी है, उनकी भी तबीयत खराब है बच्ची की, तो आप लोग उनके लिए भी बहुत ज्यादा दुआ कीजिएगा और मेरे बच्चों के लिए भी दुआ कीजिएगा, ताकि अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। मैं भी सबके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सब बच्चों को जिंदगी और सेहत अता फरमाए, माँ बाप को जो है ना किसी भी अपनी औलाद का दुख ना दिखाए, ठीक है? और तो चलो अब टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी से चलते हैं, इससे पहले कि जो है ना टीचर्स उठ जाए। बाकी मुस्तफा साहब क्या लगता है आपको, क्या आएंगे आप, पास होएंगे कि लुढ़क जाएंगे? फर्स्ट आएंगे। वैसे मेरे को ऐसा खाब ख्याल नहीं लग रहे फर्स्ट आने वाले, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी, अभी चलते हैं तो देख लेते हैं कौन सा बच्चा फर्स्ट है, कौन सा बच्चा सेकंड है, कौन सा थर्ड है। चलो चलते हैं जल्दी से। A few moments later. और बिलाल साहब आ तो गए हैं, हम लोग बताओ तुम्हारे बच्चों ने क्या चांद चढ़ाया होगा, कोई एक्सपेक्टेड तुम्हें लगता है क्या होगा? यस तो करो। वैसे गाइस मेहनत मैंने बहुत करवाई है, मगर मैं प्रेशराइज नहीं करती बच्चों को, क्योंकि वो लोगों ने अटेम्प्ट किया है, बस अच्छे नंबरों से पास हो जाए यही बहुत है। मैं बहुत नहीं कहती कि पोजीशन लेके आओ ये वो, क्योंकि बच्चों ने मेहनत तो की है ना। इंशाल्लाह पास हो जाए, इंशाल्लाह बस यही है, मुझे अच्छे नंबरों से पास हो जाए मैं बहुत है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, मगर ये डर भी लग रहा है इतना, तो मुझे अपने पेपरों में डर नहीं लगता था जिनका, जितना इनके पेपरों में डर लग रहा है। यकीन करो इतनी तैयारी करवाई है ना मैंने, हालांकि एट अ टाइम जो है ना लास्ट टाइम ट्यूशन वालियों ने भी जो है ना वो हाथ छुड़वा लिए, तो वो सब मेहनत मैंने खुद करवाई है, उसके बावजूद पता नहीं अब क्या रिजल्ट आता है। A few minutes later. So guys, अभी यह फातिमा की जो है ना ये ट्रॉफी आई है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ माशाल्लाह। उसका जो है ना ये देखिए आप लोग, टॉप 10 में वो आई है और माशाल्लाह A1 ग्रेड बना है उसका। तो कैसा लग रहा है? फातिमा ने तो मेरा दिल खुश कर दिया माशाल्लाह से, उसने बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आई है। बाकी जो है ना मुस्तफा का रिजल्ट आज नहीं था, 1 से 2 की क्लास का रिजल्ट था, तो अब 22 तारीख को होगा उसका रिजल्ट, तो वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह जरूर शेयर करूंगी। अभी जो है ना हम लोग बच्चों के नाश्ते का इंतजाम करें, क्योंकि उन्होंने रोटी तो पड़ी नहीं है, तो इसलिए ब्रेड भी है, साथ मंडे वगैरह लिए हैं, उसके लिए ना ORS वगैरह लेते हैं जो है ना निम्पोल वाला पानी जैसे आप लोग कहते हो, तो वो भी लेते हैं मुस्तफ़ा के लिए, और अभी यहाँ के लिए पापे वगैरह लेते हैं, पापे रस जिसे कहते हैं, तो वो हम लोग लेने के लिए बाजार की दूसरी साइड जा रहे हैं जी। और आप क्या कहना चाहोगे बिलाल साहब? यही कि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, अभी आप फातिमा बहुत लाइक बच्ची अपनी मामा पे गई है। हाँ, और मोहम्मद मुस्तफ़ा आप पे गए हैं, ठीक है? हाँ, समझ समय में ना मेरे पे गया है। बहुत लाइक है, लाइक से भी लाइक है, ठीक है? हमने कर दिया रवाना, जाके वो पापे और केक रस वगैरह लेकर आए। और आप लोगों को पता है अगर बुखार वगैरह चढ़ा हो ना बच्चों को, तो उसके अंदर अगर आप लोगों को रोटी वगैरह दो तो उससे उनको टाइफाइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए हम लोग उनको नरम गिजा देंगे। सो गाइज अभी हम जो है ना इसको छुपा लेंगे और अभी हम फातिमा के साथ करेंगे प्रैंक, ठीक है? तो देखते हैं इसका क्या रिएक्शन होता है। चलो अस्सलाम वालेकुम, किधर आई मोहतरमा, क्या करके आई हो भाई, उठो ना जरा तुम, उसी क्लास में तुमने दोबारा जो है ना बैठना है, किधर है ये, क्या करके आई हो मुझे बताओ, हैं फेल हो गई हो? ये देखो, देखो जरा अपनी फाइल देखो, ये ऐसे ऐसे नंबर लेकर आने थे, बताओ मुझे क्या चू चू कर रही हो, फेल हो गई हो मतलब उसी क्लास में दोबारा, या क्या करके आई हो, पैसे हमने लगा दिए ये काम करके आई हो, फेल हो गई हो, उठ के देखो अपनी फाइल, फाइल देखो अपनी, फेल हो गई हो तुम, मैं क्या कह रही हूँ, फाइल देखो, मतलब ऐसे नंबर लेकर आते ऐसे इतने घटिया, और तुमने क्या किया करना है, तुमने तुम्हारा क्या बनेगा, तेरा क्या हुआ, तेरे को पता सही है,
बड़ा कह रहा था मैं तो अच्छा आ जाऊंगा, पास आ जाऊंगा, फर्स्ट आ जाऊंगा। भाई तेरी 22 डेट मिली है, सही है? और इसने क्या किया है गाइस, इसने तो मेरा ना फाइल देख अपनी, शाबाश फाइल तो देख अपनी, फाइल देखो, फाइल देखो, पास आ गया। मजा कौन है ये अभिया वापस ने सोने नंबर लेकर आई है, ट्रॉफी तो चेक करो जरा, ये देखो कितना सोना नंबर आया है, और ये जो है ना मेरी बेटी के बहुत अच्छे नंबर आए। तो गाइस अभिया फातिमा थोड़ी सी बीमार है, चिड़चिड़ी हुई है, मुंह ऐसे हो गया नहीं करो ऐसे, मुंह बन गया था और चिड़चिड़ी थोड़ी सी हुई है, इस वजह से डीके थोड़ी ज्यादा खुश नहीं हुई, लेकिन माशाल्लाह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अच्छे नंबर से पास हुई और फर्स्ट आई और ट्रॉफी ले गई माशाल्लाह से। अच्छा चलो आप इनके लिए नाश्ता बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, बच्चे बेचारे भूखे हुए। Few minutes later. So guys, हमारा जाना नाश्ता रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ये अंडा हमने बनाया, बीच में चीज का एक स्लाइस मिल गया था वो हमने बीच में डाल दी, और कैसा लग रहा है आपको खाना खा के? क्यों आपको तो वैसे भी अंडा नहीं खाना, आपके लिए तो केक रस और ये रस आए हैं, मुझसे आप क्यों वहाँ पे उदास बैठे हुए, थोड़ा सा कुछ खाओ, पे दवाई भी खानी है, मेरा केक रस भी है और हाँ बाबा आपकी पसंद का सब कुछ लेकर आए, आ जाओ, मैंने आपको मेडिसिन दी है, उल्टी नहीं आएगी, आ जाओ आ जाओ। तकी मियाँ क्या कर रहे हो ब्लासा, आप तो जो है ना टूट पड़े हो नाश्ते पे भाई। गाइस मैं भी नाश्ता कर लूँ, उससे पहले जो है ना ब्लासा खत्म कर डाले, आप ही टूट पड़ो, आ जाओ साहब जल्दी पढ़ो। 2000 years later. So guys, welcome back हो गया आप लोगों को और मेरा भी किचन के अंदर, और अभी मैं बना रही हूँ, किचन में आ गया है नन्नू मुन्नू को लेके जाओ। तो गाइस आज हमारा ना खाने के अंदर ये खिचड़ी आप लोग देख सकते हो, पता नहीं घर वालों को आदम कैसे होगी, मगर आदम करवानी है, पानी पीना है, मेरी चुहिया के अंदर थोड़ी सी जान है, ये पानी पीना है, इन्होंने ऊपर से ना वो इन्होंने कैन के ऊपर वाली टूटी खराब कर दिया, मुझे बहुत मुश्किल से ना पानी डालना पड़ता है इन लोगों को, ये देखिए अब इसको उंडेल के फिर पानी डालना पड़ता है। तो चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब आप लोग सोचोगे भाई कूलर क्यों नहीं है, कूलर इसलिए नहीं है कि कूलर की आजकल क्वालिटी जो है ना हम लोग खरीद के लाए हैं वो सही नहीं थी, उसके अंदर जो है ना प्लास्टिक का टेस्ट आता था, जिसकी वजह से ना अपन ने कूलर को स्टॉप कर दिया, अभी इसकी दोबारा से मुझे टूटी मंगवानी पड़ेगी। Okay. और आज तो अभिया फातिमा जो है ना वो बहुत अच्छे नंबर लेकर आई है, अभिया फातिमा खुश हो, अभी थोड़ी जान में जाना है, बताओ मैंने आपको पहले बोला अभी था ना, क्या बोला था आपने मुझे पहले, आप देखिएगी मेरे पास ट्रॉफी आएगी। हाँ जी इन्होंने पहले जो है ना वो पेशेंट को ही कर दी थी कि आप देखेंगी इंशाल्लाह मेरे पास ट्रॉफी आएगी। गाइस आजकल कराची में काफी गर्मी हो गई है, क्योंकि आज तक जो है ना चूल्हे के आगे खड़े होने से ना बंदे को वैसे दिन में तारे नजर आए थे, और मुझे खिचड़ी बनाने का वो खास तरीका तो आता नहीं, ये देखिए तड़का प्रिपेयर कर रही हूँ मैं, मोटे मोटे टमाटर हैं, तो ये जो है ना मैं इसके ऊपर खिचड़ी के ऊपर डाल दूंगी, खास तरीका मुझे नहीं आता बहुत चटपटी खिचड़ी बनाने का, क्योंकि बीमारों वाला खाना आप लोगों को पता होगा, तो जो है ना ये आज घर वालों को दूंगी, इन्हों के नाक मुँह ऐसे चढ़े होंगे, अभी मैडम ने तो पहले मुँह बना लिया। खैर गाइस अजाने हो रही है, तो अजानों के बाद आप लोगों से बात करते हैं, जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हाँ जी लाल साहब कैसी बनी है खिचड़ी, हजम हो रही है? तो मेरी जान आपने खिचड़ी बना दी है, मतलब इनको जो है ना और टेस्टी टेस्टी खाने बना के दो, तो उसके साथ ये भी इस तरह के भी चल जाएंगे हैं। हमारी अच्छी बनी है खिचड़ी ज़्यादा, और यहाँ पे तुम्हारा बेटा तो नहीं खा रहा, वो तो मुँह मसूर की दाल बना के बैठा हुआ, हालांकि मैंने इसके अंदर मसूर की दाल नहीं मिला, बताओ जरा छिलके वाली डाली है? हाँ छिलके वाली डाली, इसलिए नहीं खाता वो, ऐसे भी चावल नहीं खाता। हाँ बताओ कैसी बनी है, सच्ची सच्ची बताना। अच्छी बनी है जी, दोनों बाप बेटी को पसंद आई है, बल्कि तीनों बच्चों को, मेरे तीनों बच्चों को नहीं सॉरी लाल साहब को, साथ में अभिया फातिमा को और तकदीरुल्लाह को पसंद आई, मुस्तफा को नहीं पसंद आई, मुस्तफा का यूं मुंह बना, अरे भाई पेट खराब है खा लो दही खा लो, दही चीनी उसके बाद मैं आपको दूंगी चाय पापा, ठीक है? प्लेटों में प्लेटें खाली हो रही, पैसा 1 रुपया नहीं दिया, 100 रुपए की ओर दे दो। मैंने कौन सा बिरयानी पकाई है बंदे का कोई आवाज, माशाल्लाह देखें सबको पसंद आई है मेरी खिचड़ी, सही बन गई है, मतलब नानी अम्मा का टोटका जो है ना वो कारामद हो गया, इतनी ज्यादा बनाने वाली है नहीं डिश, तो कभी कभी बनती है जब बंदे का पेट खराब होता है या बच्चे बीमार होते हैं, तो इसलिए आज जो है ना मुस्तफा का पेट खराब है, जिसकी वजह से हम लोग खिचड़ी पे आ गए, मैंने कहा चलो इस चक्कर में सारे ही जो है ना वो खिचड़ी खा लो, क्योंकि जो है ना आप लोगों का फिर बच्चों का दिल करता है माँ बाप को देख के कि हम भी ये चीज़ खाएं, तो इस चक्कर में मैंने जो है ना सिमिलर चीज़ बना दी है, सब बच्चे और सब बड़े एक ही चीज़ खाओ, ठीक है? तो ये इनका मसाला ज्यादा मसाला कम, ओए बुड्ढे घोड़े बैठ गए हो मेरे तकी के घोड़े के ऊपर बदतमीज, इसका दिमाग ठीक है? नहीं नहीं फरमाइशें डाल रहा है, ये क्या कह रहा है मुझे, देखें कह रहा आलू के पराठे बना दो, देखो गाइस इसका दिमाग ठीक है वाला, ये मीठा है, सारी तुम्हारी ना वो काम जाएगा, इतना मजेदार जो है ना, मैंने गाइस ये देखो दही इसमें चीनी मिलाई है, आओ मेरे बच्चों मां सबके मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ, आ जा नहीं आपको मन है, आपको मन है, मैं खा जाऊंगी आपका।
हाँ ये देखो कह रही मैं खा जाऊंगी, भाई को कह रही मैं आपका खा जाऊंगी ताकि भाई जो है ना इस चक्कर में आके खा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माँ के हाथ से खाता है मेरा बेटा, इतना भेड़ा मुँह ना बना अल्लाह के बंदे। चीनी मिली हुई है बीच में, नमक थोड़ी मिला कर रहा। अच्छा ये खा लो, थोड़ी देर गुजरने दो, मैं चाय पापा बना दूंगी बेटे। One eternity later. और गाइस इधर तो चेक करो ये लड़का कर क्या रहा है, मेरे पर्स में से कौन सा खजाना ले रहे हो भैया? हेलो ओ मिया क्या ले रहे हो मेरे पर्स से, दो मुझे भी। ये देखे जरा ये क्या कर रहा है, ये मेरे पर्स में घुस के पता नहीं कौन सा खजाना। ओए तुम्हारा शीशे से क्या काम है, इधर तुम इधर दे दो, मुझे दे दो, अम्मा अपना मुंह देख लेगी शीशे में, दे दे दे, चल इधर दे, ना ना इधर दे दे, ये पेंट वाला शीशा नहीं है। अल्लाह जो चीज मिलती है मेरे पर्स से इनकी होती है, देखो जरा, नहीं लगेगा, दे दो मुझे, मुझे दे दो। ये खजाना भी है, देखो जरा ये कौन सा खजाना है, ये पता नहीं कौन सा खजाना है, गैस का ढक्कन, ये देखो ये हमारा चल जाएगा काम भैया, क्या 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 मसला है, हम अपना से चेहरा देख लेंगे। भाई तो नहीं आपका पेंट नहीं लगा रहा, तुम्हारे अब्बा ने कभी मेरा पर्स नहीं चेक किया, मैं तुम्हारे अब्बा का पर्स चेक करती रहती हूँ, दे दो इधर। पर्स में से जाने इसको क्या मिल रहा है, फटे हुए पुराने बिल और टिश्यू पेपर। और गाइस बताया जा रहा है ऐसा कि कराची के अंदर जो है ना बारिशें होने वाली हैं बुध से, मतलब आज से लेकर कल शाम तक बहुत तेज बारिशें भी होने वाली है ऐसा कहा जा रहा है, मगर अब हमें नहीं पता, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। बाकी अभी जो ना हमारी लाइट गई हुई है, आज से लाइट ने बहुत तंग की है, और यहाँ पर ये आदमी जो ना अंधेरे में बैठा हुआ है। हेलो बिलाल साहब, क्या क्या बैठे हुए ऐसे, बस चुप करके बैठे हुए मैम, मोबाइल इस्तेमाल करो मेरी जान। और यहाँ पे मच्छर बहुत है गाइस, इस कमरे में मच्छर ऐसे खून चूसने वाले, ड्रैकोला रखे हैं हमने, आ गया बुड्ढा घोड़ा। ये दे दो, ये ना इस लड़के का आया हुआ है शीशे पे दिल, सीधी बात कोई स्टोरी नहीं, अब तुम बोलोगे मेरे उसका टूटा हुआ है, मैंने रखा है देखने के लिए। गाइस स्टोरी ये है कि हम ठीक है बचपन में देखते थे, हम छोटे छोटे होते थे ठीक है, कुछ अंकल लोग होते थे, उन लोगों ने ऐसे ना ये देखो ऐसे पॉकेट के अंदर शीशा डाला होता, निकाल दे ऐसे कैंचियों के पास होती थी, करते थे। तुम अपनी नाक की मूछें मत काटो, ये मुझे दे दो, मैंने अपना लिपस्टिक वगैरह देखने के लिए रखा, बंदा घर से बाहर होता ही देखे। A few moments later. जीजा, ए जीजा। हाँ बीड़ू बोलो। मैं पिछले आधे घंटे से तुम्हें देख रही हूँ, एक ही जगह पे ऐसे ठीक है, जैम हुई है। ओ मेरे खुदा, तुम्हें फुर्सत मिल गई रीलों से कि तुम मुझे देख रहे थे। मेरे गाइस मेरी एक अदद ही बेगम है, मैं उसे नहीं देखूंगा तो किसे देखूंगा? हाँ उसे देखूंगा, हर टाइम तो यूं रीलें देखता रहता है, यूं करके जल्ला बैठ के सोफे बैठ के रीला में। चलो ठीक है, मैं तो रीलें वगैरह देख रहा हूँ, आप क्या देख रहे हो मुझे भी बताया। अभी मैं ऑनलाइन ग्रोसरी कर रही थी। ओ खुदाया गाइस, इन लोगों ने रमजान में ईद पे ऑर्डर कर करके यकीन करो ठीक है, मैंने ठीक है बिल्कुल ना ठीक है गरीब कर देते हैं ठीक है। जरा ठंडे पड़ जाएं आप, अब अगर देखें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि रमजान में और ईद पर अपने घर वालों पर खुला खर्चा करो, अल्लाह ताला देने वाले। देखो मैंने रमजान में ईद पे बड़ा खुला खर्चा किया है, और मैं बिल्कुल ठीक है वेला आ चुका है, मेरे पास पैसे वगैरह नहीं है। तो तुम आप वो करोगे, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब बस करे मेहरबानी करे, ऑर्डर वगैरह ब्रेक कर दे मेहरबानी, आपकी बहुत ज्यादा होगी प्लीज। तो गाइस ये ठीक है, जो जो औरतें ठीक है ईद से पहले या ईद के बाद अपने मियां को लूटती हैं, प्लीज लूटना बंद कर दे, मियां लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं होता, मुझे छोड़े, मुझे बात करने दे, छोड़े मुझे, क्या हो गया आपको, बोले मेरी बात तो सुन ले। मैं ये कह रही हूँ कि ना उन्होंने बताया हुआ है महकमा मौसमियात वालों ने कि भाई होने लगी है बारिश आज रात से और कल दिन तक, तो मैं अपना जुगाड़ लगा रही थी। जुगाड़ लगा रही हो या मियां को लूट रही हो? 45 रुपीज में आपको 6 अंडे मिल रहे हैं। वाह ये कौन सी वेबसाइट है, 6 अंडे 45 में, सारी चीजें इसी रेट में मिलेंगी ना है, पक्का बता दो मेरे को सर, ऐसे मतलब आधे से भी कम रेट में मिलेगी तो फिर तो गौ मसला नहीं है, और क्या चीज़ की नहीं, खाला जी का घर है क्यों, और नूडल्स पे भी कम रेट है, काफी ज्यादा चलेंगे, और बोतल वो कोला नेक्स्ट वालों की मेरे को 75 रुपए की 1.5 लीटर मिली। अच्छा जी 1.5 रुपए में, अबे साले 1.5 लीटर 75 में। अच्छा 75 में, तो बोतल पीने की जरूरत भी भाई क्या है, सेहत के लिए ठीक है, बहुत ही वो अनहेल्दी होती है ठीक है, सेहत अच्छी नहीं होती, बोतल ना के मसला नहीं है, फ्री दे लब्दा हो तो जहर भी पी लो। नहीं 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 ठीक है, ऐसी बात भी नहीं है जी, तो आप ठीक है ऑर्डर करना बंद करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी ठीक है, मियाँ की जान के ऊपर रहम करें, हम ठीक है गरीब मियाँ है कोई ठीक है, करोड़ों लाखों पति मियाँ नहीं है, प्लीज मैं दुआ करूंगी अल्लाह पाक तुम्हें लाखों करोड़ों पति कर दे, मगर मेरा ही पति करो, बंद करवाओ इनका, ये इन्होंने किसकी खुशी में लगाया है फिर एलईडी बंद करो डफरो, आपकी दुआ आपकी जुबान मुबारक हो, आपके जुबान ठीक है मुबारक हो, मैं लाखों करोड़ों अरबों पति हो तो ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह अपना शॉपिंग करवाऊंगा, मेरे ही पति हो आपके पति में, लड्डू ना फूटे ना तुम्हारे, और बच्चों तुम लोग मैं बता रही हूँ ये जो हमारी किस्मत में बस ये एक ही अदद चलाती है बस, ये जो अगर ना आप लोग मौजे मार रहे हो ना ये सिर्फ इन्हीं डेज में मार रहे हो,
एक दफा तुम लोग की क्लासेस स्टार्ट हो जाए मैंने एलईडी का मुंह नहीं तकने देना। पेपर हो रहे कि नहीं हो रहे, बस आधा घंटा देखने दूंगी, अपनी बात खोपड़ी में डाले ना। ऑनलाइन बोल रही हूँ मैं, आधा घंटा तेरा, आधा घंटा उसका, टोटल एक घंटा। तो गाइस ये बहुत सख्त माँ है, अपने बच्चों को समझा रही है, अगर इसके बच्चे प्यार से नहीं समझेंगे तो बाकी आप लोग समझो ये कैसे समझाएंगे। लिटर सर्विस भी है फिर मेरे पास बच्चों के लिए, वो सब माओं के पास होती है भाई। अगर आप अपने बच्चों को खुद नहीं देखोगे ना तो कल को दुनिया वाले फिर पकड़ पकड़ के मारेंगे। तो गाइस ये किन के लिए बोला जा रहा है, आप अपने बच्चों को खुद नहीं देखेंगे जब दुनिया वाले पकड़ पकड़ के मारेंगे। मैं आपको कब मारती हूँ सरताज, सरताज मैंने कब किया ऐसे? ऑनलाइन जलील तो ना करो है। देखो आपके पीछे हम रुल गए, हमें बाल चांटे सही करने का भी हमें मौका नहीं मिल रहा। आप लोग तो गाइस इसी बात के ऊपर लाइक कर दो, बहुत नाइस हो रहा था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बेगम मिली है, बहुत नाइस है। ठीक है अगर ऐसी जिंदगी में एक और मिल जाए तो यार क्या क्या हो गया, क्या हो गया। जा रही हूँ अपनी माँ के घर, मैं नहीं जा रहा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं जा रही हूँ अपनी माँ के घर। नहीं गाइस पता नहीं वो कौन सा दिन आएगा ये अपनी माँ के घर जाएगी, नाराज हो गया हफ्ता दो हफ्ते के लिए। आपका भाई नेटफ्लिक्स के ऊपर मूवियाँ देखेगा, चिप्स खाएगा, और साथ बैठी मेरे बच्चे काम करूंगी मैं, बच्चे नहीं लेके जाऊंगा, बच्चे तुम्हारे नहीं। मैं गाइस अपने दोस्तों को बुला के ठीक है नेटफ्लिक्स पे मूवियाँ देखूंगा, चिप्स खाऊंगा, बर्गर खाऊंगा। क्या गया मैं तुम लोगों को लेके नहीं जाऊंगी, रहना अपने बाप के पास। तो गाइस आप दोस्तों बेटा एक मिनट अच्छा दोस्तों बात सुने मेरी, एक कौन कौन से बंदे की लाइफ में ऐसे मूवमेंट एक हफ्ते के लिए आ जाते हैं वो कमेंट्स में जरूर बताएं। उसकी बेगम नाराज होके एक हफ्ते के लिए बच्चों को लेके चली जाए, ये आप लोगों ने जरूर बताना है। ठीक है लाजमी बताना है। ठीक है गाइस, लो गाइस आ गए हमारे अभिया मैडम का, तो जो है ना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि ये नूडल्स, नूडल्स खा खा के शक्ल भी नूडलों वाली निकाली हुई है इन्होंने। और जो है ना मेरी सस्ती तरीन शॉप, हाँ नूडल्स ज्यादा अच्छे लगते हैं। पिछले ने जो है ना खिचड़ी नहीं खाई, और अब मैं उनको और कुछ नहीं बना के दूंगी, इनके चक्कर में हम सबने खिचड़ी खाई। ये देखें ये जनाब मेरी 75 रुपीज़ की इतनी बड़ी बोतल, लाल सबको क्या पता। ये देखें ये भी मिल गई मुझे, और ये भी मिल गई, बहुत सारी चीज़ें मिल गई हैं मुझे। ये देखें ये मेरा ख़राब हुआ हुआ था बॉटल क्लीनर, ये अपन का जो है ना ये आ गया कबाब, और ये आ गया आलू, ये आ गए हमारे अंडे, अंडे सही हैं हाँ ठीक। और ये कॉइल जो मच्छरों की नाक में दम करने के लिए, यकीन करें इतने को डीढ़ मच्छर है, इतने को डीढ़ मच्छर है कि यकीन करें आप लोग बाज नहीं आते। वो कुछ भी कर लो आप लोग, मशीन लगा लो ये जो होती है उसके अंदर बॉटल वो लगा लो तब भी मच्छर बाज नहीं आते, बस जब ये लगाओ ना तब जाके मच्छरों को होश आती है कि भैया कुछ है नहीं। नूडल वूडल कल से स्टार्ट होंगी, अभी बुखार चढ़ा हुआ तुमको, उसका पेट खराब है बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शाम टाइम इंशाल्लाह। ये देखो गाइज बैठ के मजे के साथ ये क्या कर रहे हैं, रील इंजॉय कर रहे हैं। और अभी क्या कह रहे थे अजीजा, मुझे आधे घंटे से जो ना बिजी नजर आ रही है फोन पे। क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप? रील देख रहे हो? रील्स ही देख रहे हो। सो गाइज देखने थे इनको रील्स, और अभी हम लोग करते हैं ब्लॉग को एंड। अगर आप लोगों को ब्लॉग आज का पसंद आया तो उसको करना लाइक, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना और फॉलो भी करना। तो आप लोगों से मुलाकात होगी कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शुक्र है मेरी चुई की आवाज़।